हम बात करेंगे कार्बन साइकिल की, जो सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन याद करने का ट्रिक आज आपको बताएंगे हम। उसका फंडा है याद करने का, एक आपको पोएम याद करनी है, और पोएम इज दैट सुनो सुनो ओ नैन्सी, सुनो सुनो ओ नैन्सी। केमिस्ट्री में रिएक्शन बोली जाएगी CnCn ONC। अब इसको करने के लिए कार्बोनेशन में क्रिकेट का जो गेंद होता है, हाईएस्ट 6 रन होते हैं, तो यू हैव रिएक्शन इन 6 स्टेप, 1 2 3 4 5 6, और CnCn ONC को ऐसा लिखें CnCn ON, और दैट इज द C। एक बार CnCn ONC ऐसे लिखेंगे और एक बार ऐसे लिखेंगे CnCn ONC। ओके, इसके बाद दो और दो हम वो हैं जो दो और दो पांच बनाते, मतलब दो और पांच में ऐड होंगे बच्चन और शशि कपूर, मतलब प्लस वन बीटा जीरो प्लस न्यू, पांच में भी प्लस वन बीटा जीरो और न्यू, बाकी चार जगह ऐड होगी एस और रे, मतलब हाइड्रोजन 1H1 1H1 1H1, और लास्ट में 1H1। इसके बाद मैथ है, कार्बन 6 12 होता है, 6 1 7 12 13, यहाँ पे लिखा होता 7 13, एक ऑलरेडी लिखा है 6 13, इसको यहाँ पर लेकर आए 6 13, 6 1 7 हो गया, 13 14 हो गया, इसको यहाँ पे लाते हैं 7 1 8 हो गया, 14 1 15 हो गया, यहाँ लिखा होता है, इसके बाद ऑलरेडी वन लिखा हुआ 7 और ये हो गया 15, यहाँ पे आएगा 7, ये आएगा 15, हमेशा बनता है ट्वाइस अच्छी 4, तो क्या बचता 7 1 8, तो लिखा 6 आएगा, 16 4 लिखा है 12 आएगा, ऐड कर लो, हमेशा क्रॉस वाले कट जाते हैं, रिएक्शन इक्वल है, फाइनली यू गेट 4 हाइड्रोजन एड अप एंड मेकिंग 1 हैवी न्यूक्लाइड 2H4 और प्लस ट्वाइस प्लस 1 बीटा 0 प्लस न्यू एट एनर्जी। तो दैट इज द कार्बन साइकिल का फंडा हो गया, सिंपल है, सुनो सुनो ओ नैन्सी, 6 स्टेप करेंगे, 2 और 5 में बीटा 0 और न्यू ऐड करेंगे, बाकी में एच ऐड करेंगे, सिंपल मैथ लगा देंगे, फाइनल यू विल गेट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ओके, ऑल द बेस्ट, डोंट वरी।